जन्मदिन पर नहीं, 18 सितंबर को होगी पीएम मोदी और ममता की मुलाकात। राजीव कुमार की जमानत मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैवियट। तमिलनाडु में हिंदी पर फिर शुरू हुआ महासंग्राम। कमल हासन ने कहा, कोई शाह, सुल्तान या सम्राट इससे इनकार नहीं कर सकता। इलाहाबाद एससी से योगी सरकार को झटका। 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में डालने के फैसले पर लगाई रोक। बीजेपी शिवसेना में सब कुछ ठीक नहीं। उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से कहा, सभी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार रहें। पीएम नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच मुलाकात 18 सितंबर यानी बुधवार को शाम 4:30 बजे दिल्ली में होगी। पहले दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात मंगलवार को होने वाली थी। ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए समय मांगा था। मुलाकात के लिए समय की मांग उस समय की गई है जब मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी अपना 17वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री ऑफिस से मिली सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री ऑफिस ने पीएमओ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मांगा है। फिलहाल ममता 20 सितंबर तक दिल्ली में रहेंगी। पश्चिम बंगाल के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की जमानत के मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अगर भविष्य में राजीव कुमार सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल करते हैं तो कोर्ट सीबीआई को सुने। पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई ने तलब किया था। राजीव कुमार शुक्रवार से लापता है। सीबीआई ने सोमवार 2 बजे उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था। बता दें कि सीबीआई ने शनिवार को भी राजीव कुमार को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था, लेकिन राजीव कुमार उपस्थित नहीं रहे। कोलकाता हाई कोर्ट ने राजीव कुमार की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद राजीव कुमार से सीबीआई का संपर्क नहीं हो पा रहा और उनके बारे में सीबीआई को कोई जानकारी भी नहीं मिल पा रही। हिंदी दिवस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के एक देश का एक भाषा वाले बयान पर तमिलनाडु में राजनीति शुरू हो गई है। अमित शाह के इस ट्वीट के बाद तमिलनाडु में हिंदी पर महासंग्राम फिर एक बार तेज हो गया, जहां राजनीतिक पार्टियों ने हिंदी के खिलाफ आंदोलन करने की धमकी दी है, तो वहीं मक्कल निधि मय्यम के नेता अभिनेता कमल हासन ने केंद्र सरकार को एक देश एक भाषा को बढ़ावा देने के खिलाफ चेतावनी दी है। अपने ट्विट हैंडल पर वीडियो जारी कर कमल हासन ने नाम ना लेकर अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर हमला करते हुए कहा कि भारत 1950 में अनेकता में एकता के वादे के साथ गणतंत्र बना था और अब कोई शाह, सुल्तान या सम्राट इससे इनकार नहीं कर सकता है। ओबीसी की 17 जातियों को अनुसूचित जाति कैटेगरी में शिफ्ट करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने आज योगी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। साथ ही यूपी सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज कुमार से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जून 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया था। 17 जातियों में निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआ, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, धीमर, मांझी, तुहा और गौड़ शामिल थे। अब इस फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने फौरी तौर पर माना है कि योगी सरकार का फैसला गलत है। गोरख प्रसाद की याचिका पर जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजीव मिश्र की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। महाराष्ट्र में किसी भी समय विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है।
लेकिन बीजेपी शिवसेना गठबंधन में सीट बंटवारे का पेच अब भी फंसा है। हालांकि दोनों ही पार्टियों के प्रमुख लगातार गठबंधन बरकरार रहने का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन बंद कमरे में होने वाली बैठकों में दोनों ही पार्टी के नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं को अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करने के निर्देश भी दे रहे हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रविवार को हुई बैठक में कहा कि विधानसभा की सभी 288 सीटों पर तैयारी रखें।